आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भाई आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर। कोडरमा प्रखंड स्थित झुमरी पंचायत के विभिन्न गांवों के लोगों ने झुमरी तालाब बचाने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित कर श्रीमती शालिनी गुप्ता प्रधान कार्यकारी जिला परिषद कोडरमा को सादर आमंत्रित कर झुमरी तालाब पर भव्य स्वागत किया और समस्त ग्रामीणों ने धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तत्पश्चात ग्रामीणों ने तालाब पर नारियल फोड़कर एवं पूजा अर्चना कर पुनः सुचारू रूप से तालाब को नहाने धोने और सिंचाई होने पुनः शुरुआत किया। वहीं इस मौके पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिन प्रतिदिन पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। पेयजल के साथ साथ खेती बाड़ी के लिए पुराने स्रोतों को हमें बचाना होगा। कुछ सप्ताह पूर्व कोडरमा के चाराडीह और अगल बगल गांव के ग्रामीण मुझे आकर मिले और तालाब अतिक्रमण किए जाने की शिकायत किए और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में स्थित झुमरी तालाब कोडरमा और झुमरी तलैया के आमजनों के आस्था से जुड़ा है, क्योंकि खेती के साथ साथ यहाँ लोग छठ पूजा में एकत्रित होते हैं। यहाँ के सौंदर्यीकरण और कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने से यह स्थान कोडरमा और झुमरी तिलैया वासियों को बच्चों और परिवार के साथ समय बिताने की अच्छी जगह बन सकती है। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।